नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मोदी कैबिनेट के विस्तार में जावड़ेकर को मिला प्रमोशन। निहाल चंद और कठेरिया को दिखाया बाहर का रास्ता। शिवसेना ने गठबंधन धर्म नहीं निभाने का लगाया आरोप। दिल्ली पर फिर बन रहा है आतंकी खतरा। कश्मीर से 3 गाड़ियों में पंजाब सीमा में घुसे आतंकी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और पंजाब में जारी किया अलर्ट। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर। 4 और आरोपी भी की हिरासत में। सरकारी ठेके में एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का है आरोप। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट के नाम बदले। नए नाम पर कैबिनेट की लगी मुहर। दाल की कीमत पर लगाम के लिए मोजाम्बिक से दाल आयात का फैसला। और हिट एंड रन केस में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 4 साल तक के लिए मामला स्थगित। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। मोदी कैबिनेट विस्तार में प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन हुआ है और 19 नए चेहरों को जगह दी गई है। वहीं 5 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया भी गया है। निहाल चंद, राम शंकर कठेरिया, सांवरलाल जाट, मनसुख भाई दीवासवा और एम के कुंडारिया को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद का बड़ा विस्तार करते हुए 19 नए चेहरों को शामिल किया। इसमें कुछ दलित और ओबीसी नेताओं को शामिल किया गया है और साथ ही अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को तवज्जो दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रकाश जावड़ेकर का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सभी नए चेहरों को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल में यूपी के चंदौली के महेंद्र नाथ पांडेय को भी जगह मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार के एजेंडे पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी, आज आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से इन चुनौतियों को देखते हैं आप? मैं एक कार्यकर्ता हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ। मैंने हमेशा जनता की जिम्मेदारियों को चुनौती के रूप में लिया और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश किया है। इसे भी उसी रूप में देता हूँ। आपको ये पद मिला है लेकिन इस पद के पीछे कई केंद्रीय मंत्री, काफी बड़े नाम भी हटाए गए हैं और आपको लाया गया है, तो अपने आप में एक चुनौती बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की आगामी नीति का है कैसी रहेगी, जिस तरीके से हम ये रिशफलिंग में देख रहे हैं कि ब्राह्मण, दलित और सभी चेहरों को मौका दिया गया है? मैं आपके इन जो आपने उम्मीदें जाहिर की है, इसे अपने लिए मंत्र के रूप में लेता हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी की योजना से दौरे शुरू होंगे और आप देखते जाएंगे कि इन चुनौतियों को बहुत शानदार तरीके से हम लोग सफलता में बदलेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा के पास चेहरा है, बसपा के पास चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो अब बीजेपी की लड़ाई और रणनीति क्या होगी चुनाव के लिए? सपा के पास जो चेहरा है वह एक मजबूर चेहरा है, बसपा का चेहरा बदसूरत चेहरा और दागदार हो चुका है भ्रष्टाचार में, और बीजेपी इंटैक्ट पार्टी है, आगे बढ़ के सफलता लाएगी। तो ये थे महेंद्र नाथ पांडे, जिनका कहना था कि बीजेपी आगे बढ़कर एक अच्छा मुकाम लाएगी, एक उत्तर प्रदेश चुनाव में बेहतर करेगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। मध्य प्रदेश से सांसद अनिल माधव दवे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। मोदी कैबिनेट में नवनियुक्त मंत्री अनिल माधव दवे जी इस समय हमारे साथ हैं। माधव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। एक मंत्री के तौर पर बहुत सारी चुनौतियां, इन चुनौतियों को किस तरीके से आप देखते हैं? काम अपने आप में चुनौती होता ही है, और लेकिन उस चुनौतियों को पूरा करने के लिए अगर कड़ी मेहनत की जाए और सही दिशा में मेहनत की जाए तो परिणाम आते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों से ठीक प्रकार से सही दिशा में काम करने के लिए दिशा निर्देशित करेंगे और हम निश्चित परिणामों को लाने के में सफल होंगे। माधव दवे जी, बात चल रही थी मध्य प्रदेश से काफ़ी नामों की, लेकिन आपको मौका मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आप में विश्वास जताया, तो किस तरीके से इस विश्वास को देखते हैं और क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री की आपसे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी आप दोनों के दरमियान? ऐसी विशेष करके कोई बात अभी नहीं हुई है, लेकिन घटनाक्रम बताता है कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और उस विश्वास पर खरा उतरने की मैं कोशिश करूँगा,
और जो जो कुछ वो अपेक्षा करते होंगे उन अपेक्षाओं को हम अपने परिश्रम से और हम अपने पुरुषार्थ से पूरा करेंगे। राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका एक ड्रीम होता है कहीं ना कहीं एक बदलाव को लेकर, और खासकर जब मंत्री पद पर हैं तो आपकी भी एक सोच होगी कि मैं इस क्षेत्र में एक बेहतर काम कर सकता हूं और करूंगा। क्षेत्र मालूम पड़ेगा तब कुछ कह पाएंगे, अभी तो क्षेत्र मालूम नहीं है, अभी इतना मालूम है कि काम करना है, क्या काम करना है और किस विषय पर और किस दिशा में काम करना है, ये जब प्रधानमंत्री जी से मालूम पड़ेगा तब उसमें कुछ कहने की स्थिति बनेगी। मध्य प्रदेश से आप आए हैं, मध्य प्रदेश में क्या बदलाव की कुछ उम्मीद आपको कुछ विशेष? नहीं, मध्य प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सही दिशा के अंदर हम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में वो देश की अग्रिम पंक्ति का राज्य बनने जा रहा है, इसलिए उसके अंदर जितना सबका योगदान हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मध्य प्रदेश में बदलाव तो अच्छा चल रहा है और साथ में जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी तौर पर निभाएंगे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी दिल्ली। फगन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वो अटल सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री थे, सो वे इसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। नवनियुक्त राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते हमारे साथ हैं। कुलस्ते जी, सबसे पहले आपको बधाई, और राज्य मंत्री का आपको दर्जा मिला है मोदी सरकार के 2 साल बाद, किस तरीके से देखते हैं और कितनी चुनौतियां आपको सामने नजर आती हैं? देखिए, इस समय सरकार ने जो भी निर्णय किए हैं 2 वर्षों के दौरान, मुझे लगता है इसके पहले कभी इस प्रकार के निर्णय नहीं हुए जो आम आदमी को सीधा जोड़ने वाले विषय हैं, और इसलिए हमारी प्राथमिकता तो यही है कि लोगों तक ठीक प्रकार की इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाए, ये हमारी कोशिश होगी, और इसलिए ये सारे हमारे कार्यक्रम अभी जो हुए 2 वर्ष के कार्यकाल का, तो इससे एक अनुभव आया है, और उस अनुभव से ये लगता है कि वास्तव में आम आदमी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा है और इन योजनाओं का लाभ सीधे जो हमारे देश के गरीब हैं उनको मिल रहा है, चाहे महिला हो पुरुष हो, इससे इसको प्राथमिकता मान करके सरकार ने निर्णय किया और यही हमारी प्राथमिकता है। अटल सरकार में भी आप मंत्री थे, आदिवासी मंत्रालय आपके पास था, आपने काफ़ी काम किया, इस बार भी क्या उम्मीद यही है कि आप उसी मंत्रालय में और बेहतर काम करेंगे? देखिए, अब ये तो प्रधानमंत्री जी है, क्या जिम्मेदारी देते हैं वो उनको तय करना है, और इसलिए मैं तक कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदारी आएगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ में करें और अच्छा उसका प्रदर्शन होगा, ऐसा मैं विश्वास देता हूँ। आप रिकॉर्ड मतों से जीत के आए हैं और लगातार भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भी अध्यक्ष पद का संभाल रहे हैं, तो जिस तरीके से अब नई जिम्मेदारी आएगी तो अनुसूचित जनजाति, जिसके लिए आपका बहुत लंबा समय से काम रहा है, तो उसको साथ साथ निभाना एक अपने आप में चुनौती रहेगी? देखिए, निश्चित हम मिलकर के करेंगे, जो भी हमारे साथी हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी उसको पूरा करने के लिए भी जो सहयोग मेरे तरफ से हो सकता है पार्टी के विस्तार के लिए, हमारे जनजाति क्षेत्रों के कल्याण के लिए, तो बराबर उस पर चिंता करेंगे और हम सब मिलकर के अच्छा काम करेंगे, ऐसा पूरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पार्टी जनजाति क्षेत्र इनको हमने बहुत नज़दीकी से देखा है और देखने के बाद ये जो ध्यान में आया है, तो निश्चित इसके बारे में जितना अधिकतम हो सकता है उस क्षेत्र में बढ़ाएंगे, पार्टी का भी आधार बढ़ेगा और पार्टी के साथ साथ सरकार का भी। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप अटल सरकार में भी मंत्री थे, अटल सरकार के कामकाज को बहुत नज़दीकी रूप से देखा था, अब मोदी सरकार में भी आपको मंत्री दायित्व मिला है, इन दोनों सरकार को कंपेयर करेंगे तो क्या बेहतर पाएंगे और दोनों सरकारों में समानता क्या रही है? देखिए, अटल जी की सरकार थी, उस समय भी मंत्री के नाते मैंने काम किया और देश में आज भी उस समय कहता हूँ, मैं उदाहरण देता हूँ, आज नरेंद्र भाई के आने के बाद उस अभियान को ये भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित है कि जब जब इस प्रकार की स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे पिछले अटल जी की सरकार हो आज नरेंद्र भाई की, निश्चित है इन 10 सालों को अगर छोड़ दें बीच का जो UPA का जो समय था, तो निश्चित आपको अंतर दिखेगा, और मैं ये कह सकता हूँ कि 2 वर्ष के अंदर नरेंद्र भाई ने जो कुछ भी किया है वो पिछले सरकार की तुलना में बहुत हम आगे गए हैं, 10 साल जो बीच में गैप हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के अगर अटल जी को हम देखें
और आज नरेंद्र भाई को, तो दोनों जो सरकारों का एक जो बीच में जो गैप आया था उसको पाटते हुए आगे बढ़ने का प्रयास नरेंद्र भाई कर रहे हैं, ये हमारी दृष्टि से ऐसा एक ध्यान में आया है। तो ये थे हमारे साथ फगन कुलस्ते जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार की ओर से कैबिनेट में उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन उचित रूप से करेंगे, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 2 सालों में जो काम किया है वो कांग्रेस के 10 सालों के काम से कहीं ज्यादा है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत। राजस्थान कोटे से मंत्री बने अर्जुन राम मेघवाल ने भी मिली जिम्मेवारी को पूरे निष्ठा के साथ निभाने की बात कही। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। बीकानेर से सांसद अब राज्य मंत्री बन गए हैं अर्जुन मेघवाल जी। मेघवाल जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात यह कि आपको अब राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने और क्या बेहतर करने की योजना है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी में पद महत्वपूर्ण नहीं होता, दायित्व महत्वपूर्ण होता है। तो हमें ये दायित्व मिला है राज्य मंत्री का, संविधान की अपनी सीमाओं में जो भी मंत्रालय का प्रभार मिलेगा उसको बेहतर ढंग से संचालित करने का काम करेंगे। एक अहम सवाल, साइकिल के लिए आप जाने जाते हैं, खासकर संसद भवन में मेघवाल जी का साइकिल पे जाना, और आज शपथ समारोह में भी आप साइकिल से ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यावरण जागरूकता के लिए आप साइकिल चला रहे हैं, तो हो सकता है एक जिम्मेदारी मोदी और अमित शाह जी ने आप में अंदर देखी हो, पर्यावरण को संचय, और प्रकाश जावड़ेकर का भी प्रमोशन हुआ है। पर्यावरण जागरूकता साइकिल चलाने से आती है ये तो निश्चित रूप से है, लेकिन जब मैं साइकिल चला रहा हूँ उसका उद्देश्य ये है कि हम कोपेनहेगन से लेकर के पेरिस समझौते तक कार्बन एमिशन को कम करने की बात करते हैं। उसमें ये भी एक उपाय है, संसार में काफ़ी लोग साइकिल की तरफ मुड़े हैं, कार्बन एमिशन कम हो जिससे प्रदूषण भी कम हो, इस वजह से साइकिल का मैंने प्रयोग किया ताकि आम नागरिक भी उसकी ओर आकर्षित हों। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, जिनका कहना था कि साइकिल का प्रयोग कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कर रहे हैं जिससे आम नागरिक भी इनसे प्रेरणा लें। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। वही उत्तराखंड से मंत्री बने अजय टम्टा ने भी सरकार में अपनी आस्था जताई। मैंने जैसे बताया कि मेरे पास उत्तराखंड राज्य में मैंने संगठन के रूप में एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक काम किया है, ऐसी जिला पंचायत ग्राम स्तर की राजनीति से सांसद तक मैंने काम किया है मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में। वो सारी चीज़ें मेरे संज्ञान में है कि किस प्रकार से स्टेट से और केंद्र से हम चीज़ों को दूर कर सकते हैं, उसको ज़मीन में उतारने का काम, बाकी सारी चीज़ें आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हर दिशा में हम काम की तरह रहे, और उसी प्रकार से हम पूरे देश में जो भी मेरे को दायित्व मिलेगा उसको पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ। कांग्रेस ने मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा कि मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार से देश निराश है, मोदी सरकार चमचों और चापलूसों की सरकार है। टुडेज मच पब्लिसाइज्ड कैबिनेट एक्सपेंशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड टू बी मच अडो अबाउट नथिंग। मोदी जीज कैबिनेट एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट्स डीवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट and deficit of talent and experience in Bharatiya Janata Party. Team Modi has now become a collection of courtiers, sycophants, non-performers and hate mongers. PM Shri Narendra Modi used to swear by the cardinal principle of minimum government, maximum governance. Question today is, with a top heavy cabinet of 79 ministers including himself, has this tall claim become one more jumla? Sole aim of expansion is a vote garnering exercise looking at election going states and is actually a panic reaction. खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।